भैया रो राम राम। आप उन्हें देख रहे हैं बुंदेली चुगली, हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। भैया कार्यक्रम तो बहुत हुए, सब खबरें हमारी बुंदेली चुगली में चलती हैं, लाइव चलाओ तो देखा तो आप उन्हें। लेकिन कछु खबरें ऐसी होती हैं कि जो गर्व महसूस कराती हैं, अपने आप में गर्व के पल महसूस होते, नहीं यार हमारे शहर में भी कोई ऐसा हतु समाज सेवी स्वतंत्र संग्राम सेनानी जे हैं भैया अग्रश्री परम लाल जी अग्रवाल जी। आज उनको सप्तम पूर्ण तिथि है उनकी, इके अवसर पे उनकी मूर्ति को अनावरण करूँगा, जिसमें शहर के सभी वरिष्ठ नागरिक अधिवक्ता जज भैया सभी जने मौजूद हैं। वे तो हम अंदर चल रहे जे हैं भैया उनके सुपुत्र हैं। भैया तनक ऐसे आ जाओ थोड़ी। अब भैया इन्हें पूरी जानकारी है, भैया हमें जानकारी तनक कम है बस, लेकिन जो है कि गर्व है कि हमारे शहर में ऐसी भी हस्ती हती कि जिन्हें दुनिया में नाम करो। तो भैया जे हैं उनके कमल अग्रवाल जी हैं, सुरेंद्र अग्रवाल हैं भैया, माफ़ करियो सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं जो उनके सुपुत्र हैं, चतुर्थ पुत्र हैं भैया। तो अब बेबता हैं अपने पिता श्री के बारे में, भैया बताओ कुछ इनकी जानकारी पूरी जनता तक पहुँचे। नहीं, हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे और वहाँ चरणोपाधिका में हमेशा जाते रहे, कभी भी चूके नहीं हैं, चाहे कितनी सर्दी गर्मी बरसात हो हमेशा ही गए हैं। और अभी आज उनकी मूर्ति का अनावरण होना था, जिसमें मुख्य अतिथि जी न्यायमूर्ति श्री बी के श्रीवास्तव जी आए हैं और अध्यक्षता की है श्री अरुण कुमार शर्मा जी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश छतरपुर। इनने अभी आज ही इनकी मूर्ति का अनावरण किया है और अभी उनका कार्यक्रम अभी अंदर चल रहा है, तो कृपया आपसे अनुरोध है अंदर देखें। तो भैया अब हम देखो प्रस्तुत कार्यक्रम एक बार और थोड़ी सभी जने भैया आत्मा दर्शन करो, पूर्णात्मा ऐसी हमारे लाने सौभाग्य की बात हो जा कि कम से कम ऐसे लोग हमारे बीच में हते, शहर में हते, और आज उनकी सातवीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी मूर्ति को अनावरण करोगे, जैसे कि भैया अभी बता रहे उनके चौथे पुत्र हैं। अब भैया हम आपका अंदर चल के दिखवा रहे, एक एक हस्ती से ताल्लुक करवा रहे हम आपको, और प्रयास हम जो कर भी कि जो को भी मिले, शायद अगर इंटरव्यू मिल जाए या दो मिनट को समय मिल जाए तो उनसे भी हम बात कर भी। अब चल रहे हम भैया अंदर लेके, अवस्था को दरकिनार करते जिस जोश और खोज के साथ जवानों को भी शर्मिंदा करते हुए उन्होंने एक कविता राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत सुनाई है। हम सब धन्य हैं उनकी इस वाणी को सुनके, और वो डॉक्यूमेंट्री केंद्रित है अग्रश्री के व्यक्तित्व कृतित्व पर। थोड़ी देर को हम बिल्कुल साथ होकर उसको देखेंगे सुनेंगे। अच्छा होगा कि ये लाइटें थोड़ा ऑफ कर देंगे तो और ज्यादा प्रकाशवान हो जाएगी डॉक्यूमेंट्री।
नहीं ठीक है, और हमें पूरा वो करना आंदोलन के स्वरों ने
तो भैया हो जाती बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति सीधो प्रसारण हतु। अब ते भैया को कोई बात हमारी नहीं हो सकत, काय कार्यक्रम लेट चालू हो, बहुत समय लगने, तो हमें दूसरी खबर पे जाने, फिर हम कोनो खबर लेके आप लोगन के बीच में हाजिर होगी। भैया तब तक के लाने सब जनन का हमारी राम राम।